हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपके साथ फ्रूट्स जैम शेयर करने जा रही हूँ कि घर पे कैसे फ्रूट्स का जैम बना सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। मेरे पास अभी पाइनएप्पल ज़्यादा था, मतलब पकने चला था, बहुत ज़्यादा पक गया था, तो मुझे लगा चलो इसी को ले लेती हूँ। और इसके साथ एक ऑरेंज और एक एप्पल। आपको जो भी पसंद हो, सीजनल फ्रूट्स हो, उसको बराबर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कम ज़्यादा रख के। मेरे पास अभी पाइनएप्पल ज़्यादा था इसलिए मैंने पाइनएप्पल ज़्यादा लिया, मतलब पाइनएप्पल ख़राब हो रहा था इसलिए पाइनएप्पल ज़्यादा लिया, जल्दी से पक गया था वो बिल्कुल। और मुझे लगा चलो फ्रूट्स जैम बना के रख देती हूँ, एक डेढ़ महीने के लिए चल जाएगा आराम से। और ये वीडियो 10-15 दिन पहले की है क्योंकि मैं चेक कर रही थी कि जैम अच्छे से मतलब चलता है या नहीं चलता है, ख़राब होता है, उसके बाद मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो वीडियो शूट करके रखी थी बट चेक कर रही थी कि अभी ख़राब होगा कि नहीं होगा, इसलिए वीडियो मतलब देर से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और अभी भी जैम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, अभी 15 दिन चल चुका है, 15-20 दिन बड़े आराम से चल जाएगा। तो इसको आप घर पर बना के रख सकते हो और बनाना भी बहुत ईजी है। तो एक कढ़ाई में वो डालने के बाद में अच्छे से उसको कम आँच पे मतलब थोड़ा चलाते रहेंगे, जैसे हलवा वगैरह रबड़ी वगैरह चलाते हैं ना, तो वो गाढ़ा होता जाएगा। और उसके बाद उसमें मैंने चीनी डाली है और अब चीनी डालने के बाद में थोड़ा देर और चलाई, क्योंकि चीनी डालने पे कोई चीज़ पतली हो जाती है, तो उसको थोड़ी देर और चलाई हूँ, मतलब गाढ़ा हो गया। तब मैं यहाँ पर फूड कलर दिखा रही हूँ, मार्केट में जो भी मिलता है उसमें फूड कलर वगैरह डाल के देते हैं, चाहे वो अचार हो, चाहे कोई सब्ज़ी हो, चाहे कुछ भी हो, इसलिए वो देखने में अच्छा लगता है। घर पर कोई चीज़ बनाओ तो उतना देखने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें फूड कलर तो डालते नहीं है। मेरे पास फूड कलर था तो थोड़ा मुझे लगा चलो डाल देती हूँ ताकि मार्केट जैसा लगे। अगर आप इसमें अंगूर, काला वाला अंगूर, चेरी, ये सब डाल के बनाएंगे तो उसका कलर ऑटोमेटिक बहुत अच्छा आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, मतलब वो सब कलर का जिसमें फ्रूट्स मतलब मल्टी कलर के हों, तो शायद उसका कलर और भी अच्छा आए। तो बस देखिए यहाँ पे एकदम गाढ़ा सा हो गया है। अब मैं एक डब्बा ली हूँ, उसको अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, पानी वगैरह बिल्कुल लगा ना रहे, अच्छे से पोंछ लीजिए आप। उसके बाद इसको मैं पैक करके एक महीने के लिए आराम से फ्रिज में रख दूँगी, तो एक डेढ़ महीने के लिए चल जाएगा। सुबह ब्रेड में लगाओ या फिर रोटी में लगा के खाओ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बीटरूट का सूप। तो उसके लिए मैंने पहले चुकंदर को थोड़ा सा मतलब छील के थोड़ा सा कट कर लिया, हाफ चुकंदर ही, पूरा चुकंदर का नहीं बना रही हूँ। और उसमें एक गार्लिक डाल दी है, एक कली सिर्फ गार्लिक का, और उसको रख दूँगी पकने के लिए थोड़े से पानी में। थोड़ी देर पकेगा, 10-15 मिनट में पक जाएगा। आप चाहे तो प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं, जल्दी पक जाएगा, बट थोड़ा सा ये है तो इसीलिए मैं इंस्टापॉट में नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इंस्टापॉट इतना बड़ा है कि थोड़े से चीज़ के लिए इतना बड़ा सा बर्तन यूज़ करो। तो बस वहाँ पे रख दी हूँ, वो पक रहा है। और यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्ब बना ले रही हूँ, तो ब्रेड को मैं साइड से कट कर दी हूँ और छोटे छोटे पीस में ऐसे कट कर ली हूँ। आप इस पीस को भी छोटा बड़ा जैसा आपको मन हो वैसा कर सकते हैं। और इसको कढ़ाई वगैरह में अच्छे से मतलब थोड़ा सा तेल डाल के कम फ्लेम पे थोड़ी देर चलाएंगी ना, तो ये बहुत अच्छे से क्रंची क्रंची मतलब सिक जाएगा ये। लेकिन अभी मैं तड़के वाले पैन पे, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा सेकना था, तड़के वाले पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल के दोनों साइड से अच्छे से सेक ली हूँ। और जब तक वो सब सेकी तब तक ये देखिए पक गया था। और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद में मैं इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी और एकदम से फाइन। और उसके बाद थोड़ा सा बटर में ज़ीरा का तड़का दूँगी। और यहाँ पे जो चुकंदर मैंने मिक्सर में पीसा था उसको मैं डाल दूँगी पूरे पानी को। और फिर उसके बाद इसमें कॉर्न स्टार्च डालूँगी थोड़ा सा, ताकि थोड़ा थिकनेस आ जाए, नहीं तो पतला पतला रहेगा। तो एक स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है और वही मतलब चुकंदर का पानी ले रही हूँ, अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर डायरेक्ट आप एक स्पून डाल देंगे मतलब सूप में ना, तो वो उसके दाने दाने बन जाएंगे, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा हर जगह बराबर, इसलिए पहले कटोरी में थोड़ा सा ऐसे डाल के मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी उसमें। और फिर उसके बाद इसमें डालूंगी मैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च और प्लेन नमक और ब्लैक नमक। प्लेन नमक मतलब आप जो भी खाने में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और मैं हिमालय पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए वो ले रही हूँ। आप प्लेन कोई भी नमक जो घर पे यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। अब मैं एक एक करके इसमें तीनों चारों चीज़ डाल दूँगी। और बस 5 मिनट मैंने इसको पकाया है अच्छे से, और ताकि काली मिर्च वगैरह का सबका फ्लेवर आ जाए सूप में। बस थोड़े थोड़े कटोरिया में निकाल लूँगी और अब इसमें जो ब्रेड का क्रैम बनाई थी वो डाल दूँगी। इसमें एक मैगी का भी बना के आप डाल सकते हैं, जो मैगी आती है ना उसको मतलब
ऑयल में छान लीजिए, जैसे पूड़ी वगैरह छानते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा आता है। कभी वो भी शेयर करूँगी बनाऊँगी तो बस ये सूप बन गया है, पियेंगे अभी। 4:30 बजे का यहाँ पर टाइम हो रहा है और उसके बाद फिर जिम के लिए जाएंगे, और जिम से आते हैं तो फिर चाय वगैरह बनाती हूँ। और बस यहाँ पर जिम से आ गए हैं, जिम आने के बाद में शावर ली, कभी कभी लेती हूँ कभी कभी नहीं लेती हूँ, ज़रूरी नहीं था डेली लूँ ही। और उसके बाद में मैं अभी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ रात के लिए, डिनर के लिए। तो मैं बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बना रही हूँ, हींग वाला, तड़का वाला। तो थोड़ा सा मैंने हींग लिया है और पानी में ऐसे घोल के रख दी हूँ, और एक साइड चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय नहीं पियेंगे ना तो हेडेक होने लगता है। तो बस एक साइड चाय बना रही हूँ, शाम में चाय नहीं पिए थे, अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है ऐसे यहाँ पर। तो बस एक साइड चाय बना रही हूँ, एक कढ़ाई में फिर तड़का दी हूँ जीरा और मिर्ची का सरसों के तेल में, और उसके बाद जो हींग का पानी घोली थी ना उसको डाल दूँगी तड़के में। थोड़ा सा फ्लेम कम करके डाली, नहीं तो बहुत ज़्यादा पटकेगा क्योंकि पूरा पानी ही है। तो मैंने फ्लेम एकदम बंद कर दिया था, उसके बाद फिर उसको पानी को डाली थी। और उसमें फिर टमाटर, एक बड़ा टमाटर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा मतलब बेसिक मसाला, मतलब धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के टमाटर को गलने तक एकदम ऐसे ही भूनेंगे। और उसके बाद में आलू में बॉयल करके गई थी, मतलब इंस्टापॉट पर लगा के गई थी जिम, तो आऊँ तो ताकि उबला रहे। और यहाँ पे जो आलू बॉयल की थी ना उसको डालने के बाद में अच्छे से आलू को मैश कर ली हूँ, और थोड़ी देर भुनने के बाद में आलू को भी अच्छे से भुनी हूँ, और थोड़ी देर बाद फिर पानी डाल के थोड़ा सा नमक चेक करके इसको ढक देती हूँ पकने के लिए। बस 5 मिनट में ये पक जाएगा। और अभी यहाँ 7 बजे का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम अभी हो नहीं रहा है, तो सब्ज़ी बना दी हूँ, बैठ के चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर खाने का टाइम होगा तो 8-9 बजे तक फिर रोटी बनाऊँगी। और चाय इसलिए पी रहे हैं ना कि फिर हेडेक होने लगेगा अगर सुबह में, अभी शाम में चाय ना पियो ना, कभी कभी नहीं पीती हूँ, जैसे नहीं अभी मन नहीं है, लेकिन अभी नहीं पीऊँगी ना तो रात तक बिल्कुल हेडेक होने लगेगा, सुबह तक एकदम पूरा सर पकड़ लेगा। इसलिए 2-2 घोटी बनाई हूँ बस थोड़ा सा, और उसके बाद में फिर 1.5 घंटे टीवी देखी। और यहाँ पे खाने का टाइम हो गया है तो आज मैं रोटी में बाजरे की रोटी बना रही हूँ, गेहूं की रोटी नहीं बना रही हूँ। थोड़े दिन पहले बाजरे का आटा लेके आए थे ना, तो एक बार में तो खत्म होता नहीं है, एक बार बनाई थी तो फिर मुझे लगा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि बाजरे का आटा बहुत ज्यादा टाइम रख नहीं सकते उसको, मतलब वो तीखा आने लगता है थोड़े टाइम के बाद। और अभी एक बार बना रही हूँ, अभी 1-2 बार और भी है पैकेट में बनाने के लिए, तो मुझे लगा चलो आज आलू वाली सब्जी बनाई हूँ इसके साथ, मतलब रोटी अच्छी आती है ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, आलू गोभी की सब्जी रहती तो ज़्यादा अच्छी आती मतलब बाजरे की रोटी के साथ, लेकिन अभी आलू टमाटर की ही सब्जी बना रही हूँ क्योंकि गोभी अभी नहीं है मेरे पास। तो बस ये हम लोग का रात का खाना हो गया। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।